माय चैनल। देखो बाहर बारिश हो रही है, आप कुछ नहीं दे रहा है ये। और यहाँ पर मैंने बेटी का जो गमछा है वो मैंने लगाया। देखो बाहर बारिश हो रही है कैसे। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। और पता है क्या है, मैं 2 दिन से कोई वीडियो यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट जला लूँ फिर बात करती हूँ। यहाँ पर मेरी कैमरा सेट कर दूँ ठीक है, क्योंकि अभी काम है मेरा किचन में। मेरे किचन थोड़ी सी फैला हुआ है और मैं ये बेटी को लाते टाइम ये पपीता लेकर आऊंगी। कच्चा नहीं, पक्का पपीता। अभी तो थोड़ी सख्त है, अभी सॉफ्ट नहीं हुई, तो 2 दिन फ्रिज में रख दूंगी फिर हो जाएगी नरम। तो अभी पता है, अभी मेरा किचन में कोई कुछ काम है, मैं रात में कुछ सब्जी बनाऊंगी। मैं तो खाने के लिए मतलब मेरी रोटी के साथ खाने के लिए कोई सब्जी नहीं बनाती, जो भी रहता है उससे ही मैं खा लेती हूँ। 3 रोटी के साथ और मैं रोज सब्जी बनाएगी। लेकिन आज मुझे ना मिक्स वेज बनाने की बहुत मन कर रहा है, तो देखती हूँ क्या क्या सब्जी है घर में, तो वही से मिक्स वेज बना लूंगी अपने लिए। हस्बैंड तो राइस खाएंगे क्योंकि आज घर में फिश हुई थी, कतला फिश, तो नॉर्मल जैसे मैं पकाती हूँ वैसे बनाई। तो एक कतला फिश की एक रेसिपी आपके साथ जल्द शेयर करूंगी, कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं कब तक मैं वो शेयर करती हूँ। तो पता है मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं शूट की थी, तो आज है वेनेसडे, मंडे और ट्यूजडे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। मतलब मैं अपने ही ख्याल में खोई हुई थी, क्योंकि आपको तो पता है बंगाली का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो बंगाली का दुर्गा पूजा आने वाला है, हमारा दुर्गा पूजा आने वाला है, और 3 महीने भी अभी नहीं हो रहे हैं, 3 महीने से 5-6 दिन लेस हो गए हैं। तो वो मैं सोच कर ही बहुत ही मतलब खुश हो गई थी, तो ये सोच कर ही नहीं हुई, मतलब 2 दिन से कोई वीडियो नहीं शूट की थी। तो अभी मैं सब्जी काट लूं, और नहीं अभी सब्जी नहीं काटूंगी, सब्जी थोड़ी देर में काटूंगी, पहले और एक काम कर लूं फिर मैं किचन में काम करूंगी। क्या काम है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पता है मेरा ना एक बहुत बुरी आदत है, बुरी आदत क्या है पता है, कि मैं कपड़े तो वॉश कर लेती हूँ प्रॉपरली, कपड़े तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े टायर लगाना मेरा होता नहीं है। मैक्सिमम कपड़े मेरे हस्बैंड ही तैयार लगाते हैं और ताना भी देते हैं, ऐसे मतलब फ्री में नहीं करते, ताना भी देते हैं मुझे। तो आज मैंने सोचा जो इसलिए कपड़े धुले हुए कपड़े हैं तो उसको पहले तैयार लगाऊंगी, फिर उनके ऑफिस के आने से पहले, तो पहले मैं तैयार लगाने की हूँ कपड़े, फिर किचन में कोई काम है, क्योंकि बहुत जोर की बारिश हो रही है। आपको आवाज़ तो आ रही है, बहुत जोर की बारिश हो रही है, तो पहले मैं कपड़े तैयार लगा लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और आज ना एक बात आपसे शेयर करनी थी, एक फनी भी बोल सकते हो, तो मेरे लिए तो मतलब मेरी लाइफ से ही जुड़ी हुई है वो बात, तो मैं आपसे आज शेयर करूँगी ठीक है।
पता है बारिश तो रुक गई है, मतलब पूरी तरह रुकी नहीं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन लोड शेडिंग हो गया और मैं अभी मेरी चार्जर लाइट जो है इमरजेंसी वो जला कर बैठी हूँ। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तब तो मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी। तो पहले लाइट आ जाए फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगी। मैं अभी मिक्स वेज कुकर पे ही बनाऊंगी, ज़्यादातर मैं कुकर पे ही बनाती हूँ, जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो अभी कुकर पे तेल गरम करूँगी, तेल गरम होने के बाद मैं काली जीरा और 3 ग्रीन चिली डाल दूँगी, क्योंकि ग्रीन चिली में थोड़ी सी भी तीखापन नहीं है। तो यहाँ पर मैं भिंडी, आलू, पोटल और काकरोल ले रही हूँ। पोटल और काकरोल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो अभी मैं तेल डाल रही हूँ, ये चार सब्जी ही की बना रही हूँ। और काली जीरा और नमक भी मैंने ली है। अभी तो ग्रीन चिली डाल दी, काली जीरा डाल दी और थोड़ी देर बाद मैं वेजिटेबल को डाल दूंगी। और थोड़ी सी फ्राई होने के बाद मैं उसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ी सी नमक हल्दी, फिर मैं कुकर बंद कर दूंगी। एक व्हिसल पे ही काम हो जाता है, तो मैंने 2 व्हिसल दिया है, एक व्हिसल भी दे सकते थे लेकिन 2 मैं नहीं दिया। और वो देखो मेरा बेटा आए थे, वो उसको लॉलीपॉप खानी थी तो उसके पैकेट को काटने के लिए बोल रहा था मुझे। और तेल मैंने यहाँ पर कम ही डाली थी क्योंकि तेल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता। कभी कभी मैं जब रिच खाना बनाती हूँ तब थोड़ी सी ज़्यादा तेल ऑयल डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ी कम ही डाली थी। तो मेरा सब्जी बनाना हो गया है, तो मैं ऐसे ही सब्जी बनाती हूँ, कुकर में डालती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है ना और टेस्ट भी बनती है। मैं इस कुकर पे आलू की सब्जी भी ऐसे ही बनाती हूँ, टमाटर की और टमाटर, आलू, काली जीरा और ग्रीन चिली के साथ ऐसे ही बनाती हूँ। तब तो मैं एक सीटी देती हूँ, मतलब एक व्हिसल तक मैं उसको रखती हूँ। अभी मैंने दिए 2 व्हिसल, तो अभी मैं उसका प्रेशर नहीं निकाला, तो वो का प्रेशर जब निकल जाएगा तो मैं उसको ओपन कर लूँगी। तो तब तक मैं आपसे बात कर लूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं आपको मिठाई दिखाई थी ना, तो वो मिठाई और भी ज़्यादा थी, तो कुछ मैंने खाया कुछ मेरे हस्बैंड ने खाया था। तो इससे रिलेटेड ही कुछ बात आपसे शेयर करनी है मेरे बारे में। पता है मैंने कुछ दिन पहले से, मैंने कुछ दिनों से वेट लॉस करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वेट थोड़ी सी लॉस हो जाए, थोड़ी सी लॉस हो जाए। तो अगर घर पे इतनी सारी मिठाई रहेगी तो कैसे वेट लॉस होगी? मिठाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पता है मैंने मिठाई मेरे हस्बैंड को घर पे लाने के लिए बहुत मना करती हूँ कि तुम मिठाई मत लाना, मिठाई अगर घर पे रहेगा फ्रिज पे रहेगा तो घूम फिर सारा दिन में 1 2 3 4, मतलब 2 3 तो मैं खा ही लेती हूँ पूरे दिन में, और रात का अलग, ठीक है? तो अगर मैं सारा दिन में 2 3 मिठाई खाती रहूँ तो थोड़ी ना मेरी वेट लॉस होगी। और खाने पीने के मामले में मैंने इतनी क्रश डाइट की थी, कोई डाइटिशियन मैंने नहीं दिखाई, उनकी कोई सजेशन मैंने नहीं ली थी। तो इतनी क्रश डाइट मैंने करना शुरू कर दिया था कि मेरा प्रेशर पूरा लो हो चुका था। और पता है 2 दिन से, कुछ दिन पहले मैंने बोली थी ना कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो मतलब चक्कर आ रहा था और कोई भी एनर्जी नहीं मिलती थी कोई काम करने के लिए। तो मैंने सोचा तो, और वेट लॉस तो मेरी होगी नहीं, तो धीरे धीरे जितना होता है होने दो। तो मैं 2 3 ऐसे मिठाई तो खाती रहती हूँ। तो पता है ये मिठाई मेरे हस्बैंड ने कुछ लाए थे वो व्हाइट वाली, और जो पोस्तो जो मिठाई था वो क्या है, मेरी जो ननन है उनकी ननन कल हमारे घर आई थी, ननन, उनके हस्बैंड, उनके बेटे। फिर क्या हुआ कि उनके बेटे 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, पेट में बहुत दर्द था, तो फॉलोअप के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमारे घर कल आए थे। तो उन्होंने वो सारी मिठाई लाए, और जो व्हाइट वाली थी उसको काचा गोला बोलते हैं बंगाली में, और एक थी जो
जो पानतुआ जो छोटे साइज की थी ब्राउन कलर की, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मुझे पता है कि पता है रसगुल्ला से बहुत ही वेट गेन होती है। मैं तो जितना भी अवॉइड करना चाहूँ लेकिन मन वो मिठाई पे ही रहता है। तो मिठाई तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंने पहले से बहुत मिठाई करना कम कर दिया। लेकिन अगर घर फ्रिज पे आपके फ्रिज में भर भर के मिठाई रहेगी तो मन तो उधर जाएगा ही ना। तो पता है मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, जो गलती मैंने की है वो प्लीज आप मत दोहराना, क्योंकि अगर आपको डाइट करनी है, प्रॉपर डाइट करनी है, तो आप डाइटिशियन की कोई सजेशन लेके ही डाइट करना। ऐसे खुद डाइटिशियन मत बन जाना, क्योंकि डाइट करने का मतलब है सारा कुछ खाना पीना छोड़ देना नहीं। डाइट का मतलब है आपको प्रॉपर वे से खाना है, मतलब ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना है, प्रॉपर वे से सब कुछ खाना है, थोड़ी थोड़ी करके खाना है। तो एक तो डाइटिशियन ही आपको ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं क्या खाना है क्या पीना है। तो मैं जो गलती की है वो गलती आप प्लीज आप मत करना, नहीं तो आपकी तो बिगड़ जाएगी जैसे मेरी बिगड़ी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा मैं इतनी क्रश डाइट कर रही थी कि पता है मैं चावल मैं खाती थी इतना सा, उनके साथ क्यूकम्बर और दही खाती थी दोपहर। शाम के टाइम मैं कुछ नहीं खाती थी, रात में 3 रोटी खाती थी, और सुबह के टाइम कभी मूढ़ी खाती थी, कभी राइस भी खा लेती थी थोड़ी सी इतनी सी। राइस खाना सुबह मैं बंद कर दिया था, और खाती थी क्या मूढ़ी खाती थी, कभी रोटी खाती थी, कभी ब्राउन ब्रेड खाती थी 2 पीस, ऐसे करती थी। मतलब जितनी मेरी बॉडी को चाहिए होती है प्रोटीन विटामिन जो मिनरल चीज चाहिए होती है वो मैं नहीं देती थी मेरी बॉडी को, इसलिए तो मेरी बॉडी जवाब दे दिया। मैं या तो सर घूम रहा था और बहुत ही लो फील कर रही थी। तो ये बात आपसे शेयर करनी थी। तो अगर मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ मेरे दूसरी ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।